अब ये माइक है ना, ये भी ऑन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। देखने आप ये चार्ज हो रहा है अंदर। 8 घंटे का बैटरी बैकअप के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग के साथ करूँगा माइक के साथ, अब मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। धासू सा छोटा सा क्यूट सा माइक, अभी आवाज़ आ रही है मेरे को। अब मैं जा रहा हूँ पीछे, तो कुछ ये 7-6-7 मीटर का होगा। अब ये थोड़ा बढ़ रहा है और आप मेरे को बताइएगा कैसे आ रहा है साउंड, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ मेरे को उसका डिस्टेंस टेस्ट करना था कि कितना डिस्टेंस पे कितना रिकॉर्ड कर सकता है। तो वैसे आ चुका था आज डिजिटेक का एक माइक, भाई काफ़ी बढ़िया माइक होने वाला है ये, तो दिखाते हैं आपको माइक में मेरे को मिला क्या क्या। तो ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था मैंने, तो 2 दिन के अंदर मेरे को फ्लिपकार्ट ने दे दिया, क्योंकि मैं प्लस मेंबर हूँ फ्लिपकार्ट का। और ये इस तरीके से कुछ पैकिंग आई थी, तो ये ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो ये पहले से ऑलरेडी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। बबल रैप, इसको बाद में फोड़ेंगे, रख के आराम से मज़ा आता है। और इसका मॉडल नंबर है DWM103, मेरे को चाहिए 102, वो आ नहीं रहा था तो ये आ रहा था, मैंने कहा यही मंगा लेते हैं अभी थोड़े टाइम के लिए, फिर उसको थोड़े टाइम बाद मंगा लेंगे, क्योंकि मेरे को बेसिकली कैमरे के लिए भी चाहिए। जो कैमरा है ना, मैं उसके अंदर भी लगा सकूँ, फ़ोन में भी यूज़ कर सकूँ और GoPro में भी, तो मेरे को कहीं पर भी दिक्कत ना हो, तीनों चीज़ में यूज़ है। मगर ये वाला जो माइक है ये तीनों जगह यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ यूज़ होगा स्मार्टफोन के लिए। तो भाई ये वाला सिर्फ स्मार्टफोन के लिए, ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। एक कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ उसके, मैं ड्यूअल इंटरफेस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम, ये कुछ स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं माइक्रोफोन की, और ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली होगी इसके अंदर। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ बॉक्स को, कि क्या मिला है मेरे को बॉक्स के अंदर। और भाई कुछ यहाँ पे देख रहे हो तो प्राइसिंग इसकी 5995 है, तो मेरे को कितने का मिला है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि मेरे को कितना सस्ता पड़ा ये। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो भाई पुस्तक है, तो ये इसका गाइड है, और इसके बाद भाई देखो ये आ गया मेरा बॉक्स के अंदर सामान, क्या मिला है मेरे को। ओ भाई ये आ गया है हमारा डिजिटेक का माइक का एक चार्जिंग केस, और इसके अंदर दोनों माइक और रिसीवर होंगे। इसको देखते हैं थोड़ी देर में, अब आपको दिखाएंगे हम इसके एक्सेसरी बॉक्स में, देखते हैं क्या मिलने वाला है अपने को। कितना प्यार सा कैरी बैग है, छोटा सा एक, इसके अंदर कुछ सामान है, देखते हैं क्या क्या है। ओहो सिर्फ यही है। तो भाई मेरे को सबसे पहले इसकी नॉइज़ कट करने के लिए मेरे को ये मिल जाता है, जो 4 टाइप का है, और एक है हेडफोन जो आपको लाइव मॉनिटरिंग करने के काम आएगा, ऑडियो आपके चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है भाई, काफ़ी यूज़फुल फीचर है। सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही रहता है कि आपका माइक रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, और आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। और एक है USB टाइप A टू टाइप C केबल, तो ये बेसिकली टाइप सी तो हर जगह ही आता है, तो मेरे को अपने चार्जर फ़ोन के चार्जर से भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो वैसे कोई इसका रिक्वायरमेंट है नहीं, बट ठीक है यार एटलीस्ट ये तो रहे केबल। और एक और मेरे को ये दूसरे माइक के लिए मेरे को ये मिल जाता है टाइप सी वाला हेडफोन, तो मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है। चलिए ठीक ठाक क्वालिटी है यार। तो ये सब तो भाई इसकी एसेसरीज तो जो मेरे को मिली है इसको हटा के, इसके अलावा ये सब मिला है मेरे को, और बाकी बॉक्स खाली है, इसके बाद कुछ नहीं है सिर्फ इसके। अब आ जाते हैं इसके बॉक्स के ऊपर, तो ये बॉक्स इसके अंदर इजीली आ जाएगा यार, और इसके साथ मैं ये सब भी रख सकता हूँ और ये भी रख सकता हूँ, तो ठीक है अच्छी चीज़ है। और देखते हैं क्या मिला है मेरे को बॉक्स के अंदर। तो देख रहे हैं आप अभी ये चार्ज हो रहा है अंदर, तो इसका चार्जिंग का यहाँ पर आता है इंडिकेटर, तो ये अभी फुल था तो मैंने चार्ज पर लगाया, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, मैंने सब कुछ चेक कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये है माइक, और ये है इसके चार्जिंग पॉइंट। और एक और चीज़ इसके अंदर पता है क्या अच्छी है भाई, आप USB-C टाइप से डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि आप बॉक्स में चार्ज कर सकते हैं बस। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, विंड नॉइज़ कट करने के लिए जो लगेगा यहाँ पर लगेगा, और ये बेसिकली यहाँ से इसका माइक का इनपुट जाता है, तो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को माइक का क्वालिटी। अभी मैं आपको लगा के माइक का दोनों क्वालिटी सुनाने वाला हूँ। ANC ऑन करने के लिए आपको ये वाला बटन यूज़ होएगा, और ये है पावर कीज़ का, तो जैसे इसको मैं 3 सेकंड होल्ड करता हूँ ये बंद हो गया। अब देख रहे हैं आप ये ब्लिंक नहीं कर रहा, तो ये ब्लिंक करना बंद हो गया, मतलब ये भी पावर ऑफ है। ऑन करने के लिए सेम चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी, 3 सेकंड आपको इसको ऑन रखना है, और ये हो गया ऑन। अभी ब्लिंक कर रहा है क्योंकि पेयर नहीं है इसलिए ब्लिंक कर रहा है। और अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है अपना टेस्टिंग के टाइम पे, कि आपका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, आपका वॉइस ज़्यादा हो रहा है और पता चल रहा है कि मतलब थोड़ा फट रहा है आवाज़, तो उस चीज़ के लिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं
वॉल्यूम को, ये है डाउन करने के लिए वॉल्यूम, एक बार प्रेस करेंगे तो कम हो जाएगा, एक बार प्रेस करेंगे ऊपर पावर बटन को तो वॉल्यूम अप हो जाएगा। तो ये अप वॉल्यूम अप का है, वॉल्यूम डाउन का है। और आपको मैं दिखाता हूँ अभी इसे ब्लू ब्लिंक कर रहा है, इसको मेरे को किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा तब जाके इसके आगे का फर्दर प्रोसेस आपको दिखा सकता हूँ। तो मैं अपना फ़ोन लगाता हूँ, रुकिए। तो मैं फ़ोन ले आया था मैं अपना, तो मैं कहा आपको ट्राई करा देता एक बार। तो ये तो था अपना माइक, एक माइक ये हो गया, दूसरा माइक ये हो गया इसका रिसीवर। तो दो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के साथ हमको ये आता है डिजिटेक का DWM103, जो कि आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। और इस प्राइस में ये क्वालिटी साउंड की मिलना भाई मेरे को लग रहा मुश्किल है, क्योंकि जो ये क्वालिटी देता है ना साउंड की, काफ़ी अल्टीमेट है। अभी आपको मैं वीडियो में सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो को बस थोड़ा सा, बस 5 सेकेंड या 10 सेकेंड रुकेगा, आपको मैं दिखाने वाला हूँ उसके लाइव टेस्टिंग जो कि मैंने की थी खुद अपने फ़ोन में लगा के, इसको आईफोन में भी और एंड्रॉयड में भी, दोनों में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये है सी टाइप, इसको मैं लगा देता हूँ। तो देख रहे हैं जैसे ये लग जाएगा तो यहाँ पे ना लाइट ब्लिंक करने लग जाएगा ब्लू कलर का। और यहाँ देखिए आप, ये ग्रीन हो गया, तो मतलब ये भी कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड ग्रीन में इसलिए है, नॉइस रिडक्शन इसका भी ऑन है। मैं प्रेस करके रखूँगा, ये ब्लू हो गया, ANC वर्क नहीं कर रहा है ब्लू पे, और ग्रीन पे ANC वर्क करता है, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, बता देना कमेंट करके मेरे को बताना, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ उसको। इस तरीके से लग जाता है ये, और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, देख रहे हो आप, लग रहा है ना धासु सा छोटा सा क्यूट सा माइक। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से सेटअप हो जाता है पूरा, और यहाँ पे ब्लू लाइट चलती है, मतलब ये आपका ऑन है। और इसको कोई चार्ज करने का ऑप्शन नहीं है, जो आपका ये रिसीवर है इसको आप चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीधा आपके फ़ोन से पावर ही सपोर्ट करेगा, फ़ोन की पावर से ही अपना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं इस माइक को। तो गाइस अभी आप जो सुन रहे हैं वो है मेरे डायरेक्ट आउटपुट आ रहा है फ़ोन से, तो जो डिस्टेंस है ना इतने डिस्टेंस पे मेरा फ़ोन इतना साउंड क्वालिटी दे सकता है। रूम बिल्कुल खाली है और कोई शोर होने का ऐसा कुछ, आपको बिल्कुल शांत रूम में बैठा हूँ मैं, उसके अंदर ही क्वालिटी आ रही है। तो मैं अभी आपको माइक लगा के दिखाने वाला हूँ, जो कि ये कनेक्टर मुझे लगाना पड़ेगा अपने फ़ोन के साथ, और ये है मेरा माइक, तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। पहले माइक लगा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि बाद में मैं जब इसको माइक का जो रिसीवर है उसको लगाऊंगा फ़ोन में तो कैसा आउटपुट मिलने वाला है मेरे को। और ये साथ साथ में इसको काम आएगी मेरे को सुनने के लिए कि मेरा माइक सही से काम कर रहा है कि नहीं। हाँ काफ़ी अच्छे काम कर रहा है माइक। तो अब इसको हम लगा देते हैं डिजिटेक के रिसीवर को अपने आईफोन के अंदर, तो पता चलेगा क्या रिकॉर्ड आपको आउटपुट मिल रहा है। वैसे मैं लगा चुका हूँ अपना रिसीवर जो था डिजिटेक का अपने आईफोन के साथ, और जो ये क्वालिटी आ रही है आपको डायरेक्ट मेरे इस माइक से आ रही है, जो कि ANC ऑन है, इस पर ग्रीन लाइट ऑन है। मतलब बेसिकली ये जो डिफॉल्ट मोड है इसका, जो जब ये ऑन होता है ना माइक, तो उसके साथ ही आपको ANC ऑन मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इस माइक को हल्का सा निकाल लेता हूँ, और अभी मैंने इसको इसलिए लगा रखा है क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए आउटपुट कैसा आ रहा है। तो अभी जो पावर बटन है इसको मैं दबाऊंगा ना, तो जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाएगा माइक का क्वालिटी का। तो देख सकते हैं अभी फुल पे है, अभी आपको कम करके दिखाता हूँ इस पर कितना कम हो सकता है। अभी देखो बिल्कुल जीरो हो गया होगा, और अब मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ऊपर से जो बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है वॉल्यूम, और मेरे को यहाँ पे ये समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है कि हाँ कितना वॉल्यूम आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा फीचर इस चीज़ का लगा मेरे को कि आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं ऑडियो की। अभी मैं इसका ANC ऑफ कर देता हूँ, और एक रूम के अंदर आपको इंडोर दिखा रहा हूँ मैं ये चीज़। तो मैंने इसका अभी इसका ANC ऑफ हो गया, कुछ इस तरीके से आपको आवाज़ आ रही होगी। रूम बिल्कुल खाली है, शांति है, तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा एक खाली रूम के अंदर। अभी आपको आउटडोर का भी दिखाने वाला हूँ मैं। तो ये था इंडोर का टेस्ट इस माइक का। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ ड्यूल चैनल में क्या फ़र्क होता है। अभी ये माइक है ना, ये भी ऑन है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ये अभी ऑफ हो गया। अब देखना आपको हल्का सा क्वालिटी अलग मिल रहा होगा वॉइस में, और इसका भी ANC ऑन करके दिखाता हूँ आपको मैं। अभी ANC ऑन हो गया, तो कितनी शांति है। इस माइक के वजह से हल्का सा इको हो रहा था चैनल। अब इसको ऑन कर रहा हूँ फिर से आपको दिखाने के लिए, तो 3 सेकंड प्रेस करना है और ये हो गया ऑन। इसका भी ANC ऑन है, तो आप जितना इसको पास करेंगे, जितना दूर जाएगा ना ये, उतना ही आपको एक ड्यूल इफेक्ट मिलेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस चीज़ के लिए ये इफेक्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, मेरे को तो काफ़ी काम आने वाला है, आपको दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो। अभी इसको मैं ऑफ कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा इको साउंड ख़त्म हो जाए इसका। तो अभी बंद हो गया होगा, देखो अभी बंद हो गया बिल्कुल, अभी काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा होगा। और अभी मैं इसको ट्राई करूँगा, थोड़ी वॉल्यूम कम कर देता हूँ, वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा था ना कुछ ज़्यादा साउंड लग रहा था, तो बस इतना साउंड ठीक है क्योंकि मुझे भी सुनाई दे रहा है, तो मुझे पता है कि आउटपुट क्या आ रहा होगा मेरे फ़ोन के अंदर। तो अभी मैं चलते हैं आउटडोर में आपको ट्राई करके दिखाते हैं कि क्या क्वालिटी मिलने वाली है।
और इसकी रेंज जो है 30 मीटर कंपनी क्लेम कर रही है, तो 25 मीटर तो देगा ही देगा ना, तो वो भी ट्राई कर लेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं आउटडोर में। पार्क में आया था, मैंने कहा ट्राई करते हैं माइक को, बट ये क्वालिटी मेरे फ़ोन से आ रही है सिर्फ, जो बेसिकली ब्लॉगर्स हैं उनके लिए मैंने कहा एक क्वालिटी टेस्ट दे देते हैं उनको, कि उनको ये रिक्वायरमेंट होगा माइक का कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वो ज़्यादा डिस्टेंस से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, पास से रिकॉर्ड करते हैं। पास से रिकॉर्ड करने में क्या फ़र्क आएगा इस माइक के साथ? अभी मैं शिफ्ट करता हूँ माइक पे, अभी बिना माइक के वीडियो चल रही है, अब मैं जाके माइक पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप देखना कि कैसी क्वालिटी आएगी इतने डिस्टेंस पे। मतलब बेसिकली आप जैसे फ़ोन एक इस लेवल पे फ़ोन पकड़ते होंगे जो व्लॉगिंग करने के टाइम पे, तो उस पे कितना आपको डिस्टेंस पे पता चल पाएगा कि कितना ये माइक का क्वालिटी आ रहा है उसका, क्योंकि अभी देखो शोर हो रहा है, हल्ला आपको आ रहा होगा। तो मैं ANC भी ट्राई करके दिखाऊंगा कि कैसा ANC का रिजल्ट आएगा। तो कैसे मैं शिफ्ट कर चुका हूँ माइक पे, तो ये माइक की क्वालिटी आ रही होगी, और मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा हल्के बोल के दिखाता हूँ आपको, तो हल्के हल्के बोलने पे कितना, जैसे मैं व्लॉगिंग करता था तो मेरे को थोड़ा चिल्ला के बात करनी पड़ती है, कि जिससे कि वॉइस में मेरे को दिक्कत ना हो बाद में, कि साउंड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी आ जाए। बट अभी मैं हल्के हल्के बोल रहा हूँ, लाइट लाइट, बिल्कुल धीमे धीमे, ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा। और अभी इसका ANC ऑफ है और इन्वायरमेंटल नॉइज़ आपको आ रही होगी। अब मैं इसका ANC ऑन करके आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, तो बस इसको क्लिक करना है। अभी चालू हो गया इसका ANC, और ANC में कुछ इस तरीके से क्वालिटी आएगी। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको व्लॉगिंग करने के लिए इस एंगल पे भी रखते हैं हाथ को, तो भी आपको ये क्वालिटी दे देगा माइक। 8 घंटे का बैटरी बैकअप के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग के साथ करूँगा माइक के साथ, अब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़ोन के साउंड की। बट एक दिक्कत हो रही है, जो मैं इसको हाथ में पकड़ रहा हूँ ना, तो जो चार्जिंग जहाँ होती है, जो चार्जिंग पोर्ट है, उस साइड पे राइट साइड में मेरे को ना जो इसका रिसीवर लगा हुआ है वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है हाथ में। तो चलो आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, देखते हैं। अब मैं आपको ना 0.5 पे दिखाता हूँ रिकॉर्ड करके, क्योंकि मेन होता है 0.5 की रिकॉर्डिंग, उस पर क्या क्वालिटी आती है। और ये 0.5 की क्वालिटी है विदाउट डिजिटेक वायरलेस माइक के, तो ये कुछ फ़ोन का सिस्टम इस तरीके साउंड देता है 0.5 पे। तो आप दोनों को अभी मैं आपको दिखाता हूँ माइक लगा के, बिल्कुल रॉ साउंड आपको मैं दे रहा हूँ इसमें, किस तरीके से रॉ साउंड मिलने वाला है आपको, तो वही क्वालिटी आपको मिल रही है इस वीडियो के अंदर। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कम कर सकते हो, मगर कम वॉल्यूम का ज़्यादा करोगे तो फटता है, वो क्वालिटी ख़राब होता है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं माइक, अगर मैंने अभी माइक लगा रखा है तो क्वालिटी आप बता रही है कैसे लग रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी ANC ऑन रखा हुआ है। अभी मैं करता हूँ उसका ANC ऑफ, बताता हूँ आपको कैसे रिजल्ट मिल रहा है। अभी ANC ऑफ हो गया और लाइट ब्लू हो गई है, तो ये वाला साउंड क्वालिटी आपको मिल जाएगी। इन्वायरमेंटल साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, सब चीज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अभी मेरे को डिस्टेंस टेस्ट करना है इसका, तो आपको करके दिखाऊंगा लास्ट में, वो जिससे पता चल जाएगा आपको क्या क्वालिटी दे रहा है ये माइक। तो भाई अक्ष भाई मेरे को मिल गए थे पार्क में, जो मैं टेस्ट करने आया था अपने माइक को, तो मैं भैया को कैमरा होल्ड कराऊंगा। अभी ना मैंने इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर रखा है माइक का, हमारे वायरलेस माइक का, और मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगा, तो 30 मीटर का मेरे को चेक करना है कि 30 मीटर का काम करता है कि नहीं करता, वो आपको दिखाएंगे। तो मैं इसके ना एक वो लगा देता हूँ यार, अपने लिए टेस्टिंग करने के लिए ना, एक सबसे बढ़िया चीज़ पता चला मेरे को, आवाज़ ना आ रही हो, अभी आवाज़ आ रही है मेरे को। अब मैं जा रहा हूँ पीछे, तो कुछ ये 7-6 मीटर का होगा, अब ये थोड़ा बढ़ रहा है, और आप मेरे को बताइएगा कैसे आ रहा है साउंड, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ मेरे को उसका डिस्टेंस टेस्ट करना था कि कितना डिस्टेंस पे कितना रिकॉर्ड कर सकता है। अभी मैं 15-20 मीटर तक आ चुका होऊंगा, और पीछे जा रहा हूँ, इसके बाद पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरे पे यहाँ पे साउंड तो आ रहा है बट वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस डिस्टेंस पे मैं साउंड ट्राई कर रहा हूँ, और काफ़ी मेरे को लग रहा है कि रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, रिजल्ट मुझे खुद देखने पड़ेंगे तब पता चलेगा। तो दूसरा माइक मेरे पास जेब में ही है, क्योंकि ये बॉक्स काफ़ी सही है जिसको मैं कैरी कर सकता हूँ ईजिली। तो देखते हैं ट्राई करके, अभी थैंक यू बोलेंगे भैया को, क्योंकि भैया ने कैमरा पकड़ रखा है, ज़्यादा देर उनको पकड़ा नहीं सकता। थैंक यू भाई। गाइस ये था मेरा माइक का टेस्टिंग, जो कि मैंने आउटडोर भी कर लिया और इनडोर भी कर लिया, आपको दोनों दिखा दिए। तो आपके आपको अपने यूज़ के हिसाब से समझ आ गया होगा कि आप इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भाई मेरे लिए तो ये परफेक्ट माइक है, क्योंकि मेरे को जो बेसिक यूज़ है ना वो यही है। कई बार मैं ट्रैवल की वीडियो शूट करता हूँ, वहाँ पे बहुत शोर होता है, हर बार मैं इंडोर तो रह नहीं सकता, इंडोर ना रहने के वजह से दिक्कत होती है कि यार मेरे को आउटडोर भी शूट करना है, आउटडोर की क्वालिटी साउंड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है नो डाउट, मगर मेरे को साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। तो वो सब चीज़ों का सोल्यूशन है ये डिजिटेक का DWM103 माइक, जो कि सिर्फ स्मार्टफोन के लिए आता है, ना कि कैमरास के लिए। बट अगर आपको ये परचेज करना है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और एक और माइक है डिजिटेक का 102, DWM102, जो कि स्मार्टफोन प्लस कैमरास में यूज होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। बट मैं उसको परचेज करना चाह रहा था, वो मेरे को मिला नहीं, क्योंकि उसका ना वो ख़त्म हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, और अभी तक वो आया नहीं है। तो जैसे ही वो आएगा मैं उसको भी लूँगा, और उसके भी एक वीडियो दूंगा आपको, तो
तो जल्दी ये वो वीडियो भी आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसका मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इस माइक का प्राइस मेरे को पड़ा 4,100 रुपये, जो कि है फ्लिपकार्ट और अमेजोन और इसकी वेबसाइट डिजिटेक की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो दोनों तीनों जगह आपको सेम प्राइस मिलेगा, तो आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं और लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको इसको माइक को लेना है तो भाई ले लो, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद नहीं मिलते डिजिटेक की चीज़ें। मैं एक माइक के पीछे पड़ रहा हूँ, बहुत टाइम से चेज कर रहा हूँ बट मेरे को अभी तक नहीं मिला वो DWM 102। मैं बहुत टाइम से चेज कर रहा हूँ, वो मेरे को मिल नहीं रहा, वो आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा है। वो बेसिकली कैमरा के लिए, तो मेरे GoPro तीनों चीज़ों में चल जाएगा, कैमरा, आईफोन और GoPro। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चलो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, जब तक के लिए सी यू सून, टाटा बाय।